होली का त्यौहार है और ऐसे में शक्करपारे ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बिना तो हमारे त्यौहार भी अधूरे से ही लगते हैं। पर इनको जब बनाने का समय आता है ना, तो हमें बहुत ही झंझट लगता है। आटा गूंथना, इनको काटना, तलना, ये सारी झंझट लगती है हमें। पर आज मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिसका आपको ना तो आटा गूंथना पड़ेगा ना ही इनको आपको बेलना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से आप शक्करपारे बना के तैयार कर लोगे। दोनों तरीके बताऊँ मैं आपको बनाने के, दोनों तरीके से आप बहुत ही आसानी से बिना आटा गूंथे और बिना बेले बना सकते हो। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, आप चाहो तो मैदा ले सकते हो, एक बाउल आटा और 1 चम्मच हमने यहाँ पर तेल ले लिया है। बस मिक्सी में डालकर इसे 1 मिनट घुमा लेंगे और थोड़ा सा ना मुट्ठी बांध के हम चेक कर लेंगे कि मोइन बराबर है या नहीं। अगर नहीं है तो थोड़ा वो डाल सकते हैं, पर ये मुट्ठी बंद रही है, मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। देखिएगा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आधा कप हमने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा कम पानी लिया है, तो इस तरह से हम पानी डाल देंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधा कप से थोड़ा कम पानी लेंगे ना, वो डाल के फिर से मिक्सी में इसे अच्छे से घुमा लेंगे। अब चेक करेंगे कि हमारा ये गूंजे के लिए, ये शक्करपारे के लिए आटा बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के गूंथ के बताऊंगी। देखिएगा इस तरीके से ये हमारा आटा सिर्फ 2 मिनट में गूंथ करके तैयार हो गया है। अब कैंची पर है ना थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब बेलना नहीं है ना हमें यहाँ पर, बिना बेले इस तरह से हम लेयर वाले शक्करपारे बहुत ही आसानी से बना लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर है ना बेसन के भी बना सकते हो, इस तरह से बहुत ही चटपटे और बहुत ही मज़ेदार से शक्करपारे जब आप बनाओगे ना तो सब आपकी तारीफ करेंगे। देखिएगा कितनी अच्छी से लेयर भी बन रही है इसमें। वो जब कैंची से आप इस तरह से बनाओगे ना तो सच में बहुत ही कम समय लगेगा और फटाफट से आप बना के तैयार कर लोगे, और जो समय बचेगा उसमें आप दूसरा काम कर सकते हो। देखिएगा ये मैंने बना लिया है और तेल भी मैंने यहाँ गरम कर लिया है यहाँ पर, तो ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालना है, नॉर्मल ऑयल में डालेंगे और धीमी फ्लेम पर इन्हें उलट पुलट करके पकाएंगे। धीमी फ्लेम पर ही इन्हें हमें पकाना है, नहीं तो तेज फ्लेम पर क्या है ना कि कच्चे रह जाएंगे अंदर से। धीमी फ्लेम पर इसे आराम से फ्राई करेंगे। देखिएगा गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे के सारे तल लिए हैं और देखिएगा कितने क्रिस्प बने हमारे ये शक्करपारे। आप चाहो ना तो इन्हें चाशनी वाले भी बना सकते हो। बस 1 कप इसमें चीनी डालिएगा और आधा कप पानी, थोड़ी सी इलायची डाल करके 1 तार की चाशनी बना के इसमें शक्करपारे डाल दीजिएगा और गैस को यहाँ पर बंद कर दीजिएगा और बस लगातार चलाते रहना है ठंडा होने तक। तो ये देखिएगा कितनी आसानी से 2 तरह के हमारे शक्करपारे बन करके तैयार हो गए। ना तो हमें इसमें आटा गूंथना पड़ा ना ही इसमें हमें बेलना पड़ा। ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।